राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा का कहना है कि दौसा सांसद जसकौर मीणा को जीत का गुरूर हो गया है, लेकिन उनकी जीत पीएम मोदी की लहर से हुई है। उन्होंने कहा कि अगर जसकौर को कोई शिकायत थी तो वो मुझसे बात कर सकती थी, लेकिन कद्दावर नेताओं पर सार्वजनिक टिप्पणी करना गलत है। उन्होंने इसे अनुशासनहीनता बताते हुए पार्टी स्तर पर कार्रवाई की मांग भी की है। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने सांसद जसकौर मीणा के कथित बयान पर फर्स्ट इंडिया से बातचीत में ये बात कही। आइए आपको सुनाते हैं क्या कह रहे हैं सांसद किरोड़ी लाल मीणा। इन दिनों दौसा सांसद जसकौर मीणा का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसने चारों तरफ हंगामा मचा रखा है। खास बात यह है कि यहाँ के कद्दावर नेता डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को लेकर के कुछ टिप्पणियाँ उस वीडियो में की गई है। आखिर खुद जो राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा है वो इस चीज़ को किस नज़रिए से देखते हैं, चूँकि कार्यकर्ताओं में इस चीज़ को लेकर के ज़बरदस्त आक्रोश है। कहीं पुतला दहन हुआ है, कहीं फेसबुक और ट्विटर पर कई तरह की टिप्पणियां है। सर, आप खुद बताएं कि ये किस तरह का एक बयान है, राजनीति किस दिशा में जा रही है? देखो, ऐसा है, मेरा कोई नहीं लपेटा, पूर्व केंद्रीय मंत्री नमो नारायण जी जो स्वर्गवासी हो गए, कुंजीलाल जी, माननीय प्रसादी लाल जी, माननीय श्रीमती गोलमा देवी जी और वहाँ की कांग्रेस की विधायक श्रीमती इंदिरा जी, किसी को भी तो नहीं छोड़ा, पर उनके बारे में उतना नहीं कहा जितना मेरे बारे में कहा। जो आप वो भाषा बोलना ठीक नहीं, बड़ी आपत्तिजनक है, और गोलमाल के लिए तो इतना तक कह दिया कि वो अनपढ़ है, क्या करती, आती चली जाती, और मैंने तो ये कर दिया और वो कर दिया। आपने गोलमाल को देखा है, वो मंत्री रही है, सफलतापूर्वक कहीं विवाद में नहीं आई, मंत्री पद का अपना कार्यकाल समाप्त किया है, पर इस ढंग की बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। लेकिन जसकौर इन देश भर में नेताओं की बदजुबान हो चुके हैं, राजनीति का स्तर गिर चुका है, तो जसकौर जी क्यों चूकेंगी? कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि राजनेता जो है उन्हें अपने बयान देने से पहले या सार्वजनिक बातें कहने से पहले कहीं ना कहीं नाप तोल करके शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे माहौल खराब ना हो और पार्टी की मर्यादा भी कायम रहे। लक्ष्मीकांत शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, दौसा।